डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। बुधवार को कस्बे के गुर्जर भवन में आयोजित अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सुधार समिति की मासिक बैठक में गुर्जर सरदारों का वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट को अपमानित करने के खिलाफ दर्द झलका। बैठक में मौजूद अजमेर, पाली, नागौर जिले के गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने कांग्रेस हाईकमान की ओर से सचिन पायलट के खिलाफ की गई कार्यवाही पर आक्रोश प्रकट करते हुए पायलट को पार्टी में वापस ससम्मान लौटाने की मांग की। अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सुधार समिति के अध्यक्ष हरचंद गुर्जर जी ने बताया कि प्रदेश में सचिन पायलट ने 5 साल तक लगातार संघर्ष करके मृत पड़ी कांग्रेस में नई जान डाली थी। ऐसे में मात्र सीएम अशोक गहलोत के इशारे पर पायलट जैसे ऊर्जावान और ईमानदार नेता को अपमानित करना बिल्कुल निंदनीय है। गुर्जर समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पायलट को ससम्मान वापसी नहीं हुई तो कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगामी रणनीति के बारे में गुर्जर समाज के नेताओं ने कहा कि इस मामले में सचिन पायलट और समाज मिलकर जो भी निर्णय लेगा पूरा समाज उस निर्णय का सम्मान करेगा। बैठक में समाज में मृत्यु भोज पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने का निर्णय भी लिया गया। समाज के नेताओं ने बताया कि इसके बावजूद यदि कोई मृत्यु भोज करता है तो प्रशासन के साथ मिलकर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज की जो मीटिंग हुई है पुष्कर में, उसमें जो हमारा ये पुष्कर है, गुर्जर समाज का एक केंद्र है, उसमें ये मीटिंग ली गई है कि राजस्थान, इसमें ये निर्णय लिया गया है कि राजस्थान की सरकार के जो आदेश हुए हैं कि मृत्यु भोज को पूर्णतः बंद किया गया है, हमारे गुर्जर समाज ने एक साथ एक प्रस्ताव लिया है और उसके अंदर ये निर्णय किया है कि इस प्रस्ताव को कठोरता से इस निर्णय को लागू किया जाए कि संपूर्ण गुर्जर समाज के अंदर मृत्यु भोज बंद किया जाए। अगर इसके बावजूद भी कोई मृत्यु भोज करते हैं और समाज के निर्णय को नहीं मानते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। इसलिए मैं अपने संपूर्ण गुर्जर समाज से निवेदन करता हूं कि इस निर्णय को आप माने और ये जो कुरीति है इसको पूर्णतः बंद करें। आज जो ये मीटिंग हुई है ये तो हमारी हर महीने की समाज की लेखा जोखा हिसाब की जो मीटिंग होती है 15 तारीख को वो मीटिंग है, मगर इस मीटिंग में समाज का जो आक्रोश है वो ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी पे जो ये लड़ाई चल रही है सीएम के बाबत में, जो अशोक जी के पायलट साहब के जो चल रही है, इस मैटर के ऊपर हमारा समाज का आक्रोश है कि जो कांग्रेस पार्टी की, हमारी समाज ने जो 60 साल तक सेवा की और इस पार्टी का साथ दिया है समाज ने, तो इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी समाज को नजरअंदाज कर रही है तो ये पार्टी हमारे समाज के साथ धोखा कर रही है, बहुत बड़ा धोखा कर रही है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आगे रणनीति तो अभी पायलट साहब भी कुछ डिसीजन अभी उनकी तरफ से भी कुछ नहीं है, बाकी जो पायलट साहब और समाज मिलके दोनों मिलके जो आगे रणनीति करेंगे वो सबको मान्य होगी।